मंदी के मामले में राहुल ने मोदी को पछाड़ा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस नेता की बढ़ी प्रॉपर्टी। चुनावी हलफनामे से हो गया बड़ा खुलासा। मोदी से कई गुना आगे हैं राहुल गांधी। आपने राहुल गांधी को अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए देखा होगा। कभी कपड़ों पर सवाल उठाते हैं, कभी विदेश यात्रा पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ आपका या मेरा नहीं बल्कि सबका होता है। प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने नहीं बल्कि 2 देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने जाता है, द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करता है। लेकिन राहुल बेचारे ये सब कैसे जानेंगे, पीएम बने थोड़ी हैं, सपना ही तो देख रहे हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं तो जो राहुल गांधी बार बार मोदी के कपड़ों या फिर विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाते हैं, उनका जवाब दोनों के हलफनामे ने दे दिया है। वही हलफनामा जो दोनों नेताओं ने चुनावी नामांकन भरने के दौरान दाखिल किया। इसी से सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है और राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बेचारे मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए उतनी संपत्ति नहीं बना पाए जितनी सांसद राहुल गांधी ने बना ली। सबसे पहले आपको बताते हैं मोदी की संपत्ति। खुद को फकीर बताने वाले पीएम मोदी के पास कुल संपत्ति 3 करोड़ की पाई गई है। उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, अपना कोई बंगला नहीं है, अचल संपत्ति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास क्या है और क्या नहीं, जरा विस्तार से समझिए। नकदी 52,990 रुपए, बैंक बचत खाते में 80,304 रुपए, एफडी और बचत पत्र 2,94,74,736 रुपए, सोने की 4 अंगूठी 45 ग्राम 26,07,750 रुपए, कुल चल संपत्ति 3,02,06,880 रुपए, कोई अचल संपत्ति नहीं। बात करें अगर पिछले लोकसभा चुनावों की तो पीएम ने पिछले नामांकन के दौरान गांधीनगर में एक जमीन का जिक्र किया था, लेकिन कुछ वक्त पहले खबर आई कि नरेंद्र मोदी ने उस जमीन को दान में दे दिया है। शायद इसीलिए इस बार उसका उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा बात करें अगर पत्नी के कॉलम की तो नरेंद्र मोदी ने इसमें इस बार जसोदाबेन का नाम लिखा है, हालांकि 2019 में उन्होंने जिक्र नहीं किया था। अब मोदी की संपत्ति को देखकर कुछ लोग उन पर सवाल उठाएंगे, लेकिन इन सवाल उठाने वालों को राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर भी विस्तार से जान लेना चाहिए। कितनी संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी? नकदी 55,000 रुपए, बैंक बचत खाते में 26 लाख रुपए, शेयर मार्केट में निवेश 4.33 करोड़, म्यूचुअल फंड में निवेश 3.81 करोड़, 4.2 लाख रुपए का 333.3 ग्राम सोना, 15,21,740 रुपए के गोल्ड बॉन्ड। राहुल के पास लगभग 2,10,13,000 से ज्यादा की अचल संपत्ति बताई गई है। राहुल के पास भी गाड़ी और घर नहीं। मोदी के मुकाबले देखा जाए तो राहुल बहुत ज्यादा अमीर है। राहुल की संपत्ति में कुल 28% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। राहुल गांधी ने शपथ पत्र में ये भी बताया है कि पिछले 5 सालों में उन्हें कुल 6 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। राहुल ने कहा उनके खिलाफ 18 मामले लंबित हैं, इनमें मोदी सरनेम मानहानि केस भी शामिल है जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल की संपत्ति में कुल बढ़ोतरी 4.5 करोड़ रुपए की हुई है। राहुल गांधी ने 2019 के शपथ पत्र में 15.9 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 25 अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं जिनका कुल मूल्य 4.33 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने इसके साथ म्यूचुअल फंड्स की बात कही है जिनकी कुल वैल्यू 3.81 करोड़ रुपए है। दोनों नेताओं के बीच संपत्ति को लेकर कितना फासला है ये तो आपने देखा। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।